ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश में पिछले दिनों लोकसभा और राज्यसभा में संशोधन बिलों की बाढ़ सी आ गई। नया भारत, बदलते भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए रिफॉर्म जरूरी भी था। केंद्र की मोदी सरकार एक से बढ़कर एक बिल लेकर आई। देश के किसानों से संबंधित 3 बिलों को तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक बता दिया। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई बड़े कदम उठाते हैं तो वे ऐतिहासिक ही साबित हुए हैं। मसलन नोटबंदी, जीएसटी या फिर पूरे देश में एक ही झटके में किया गया लॉकडाउन। कमियां निकालने वालों का क्या है, उनका काम तो कमियां ही निकालना होता है। सरकार को जनता के फायदों की जानकारी जनता से कई गुना ज्यादा होती है। अब देखिए ना, अन्नदाता यानी कि देश के किसान की आय को दोगुना करने और उन्हें बिचौलियों से मुक्त करने के लिए मोदी सरकार का संकल्प राज्यसभा में कितना मजबूत नजर आया कि विपक्ष के लाख कहने पर भी इन बिलों पर मत विभाजन नहीं कराया गया। बिना विपक्ष बिना वोटिंग के ही बिलों को पारित भी करवा लिया गया। कोई बात नहीं, देश के लोकतंत्र में ऐसे नज़ारे दिखना यह बताता है कि हमारा लोकतंत्र विकास की दिशा में जीडीपी की तरह तेजी से बढ़ रहा है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। किसानों के हितों और कुठाराघात पर 3 बिल सरकार लाई। पहला, अधिकतर खाद्य पदार्थों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाकर उनको स्टॉक करने का अधिकार दे दिया गया। दूसरा, मंडी सिस्टम में बिचौलियों को हटाने के लिए नया मंडी सिस्टम बना दिया गया। सरकार की ओर से कहा गया कि अब किसान अपना माल कहीं भी बेचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। तीसरा, बड़ी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति दे दी गई है। निश्चित तौर पर सरकार के नुमाइंदे और विशेषज्ञ इसमें किसान का सुनहरा भविष्य देख रहे हैं, लेकिन यह अलग बात है कि किसान को कुछ और ही नजर आ रहा है। देश के किसान ने यह सब तो सरकार से मांगा ही नहीं था। किसान सरकार से जो मांग रहा था वो तो उसे आज तक मिला ही नहीं। फसल के समर्थन मूल्य को लीगल करने की मांग, यानी कि समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार। अब इस बात को कैसे समझे कि किसान की असल मांग क्या है? किसान का कहना है कि सरकार फसल का कोई भी समर्थन मूल्य निर्धारित कर दे और उसे कानूनी अमली जामा पहना दे, इससे किसानों की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इससे देश में किसान की उपज को कोई भी समर्थन मूल्य से कम नहीं खरीद सकेगा। अभी क्या हो रहा है? अभी हो यह रहा है कि सरकार उपज का समर्थन मूल्य घोषित कर देती है, लेकिन बिचौलियों के खेल के चलते मंडियों में उसके माल का समर्थन मूल्य से बहुत कम पैसा ही मिल पाता है। सरकार भी 15-20% किसान की ही उपज खरीद करती है। ऐसे में 80% किसान बाजार के कुचक्र में दब जाता है। इसलिए किसान चाहता है कि समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार मिल जाए। अब किसान की इतनी सी बात मोदी सरकार तक पहुँच नहीं पा रही, या फिर यूँ कह लीजिए कि वहाँ बैठे विशेषज्ञों के समझ में नहीं आ रहा है। अब होगा क्या? पहला, किसानों के हाथों में हमेशा की तरह बाबा जी का ठुल्लू रहेगा, मतलब कि सरकार का समर्थन मूल्य। दूसरा, मंडियों के छोटे आढ़तिये मतलब बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे, जैसा कि सरकार का दावा है। लेकिन सरकार ने यह तो बताया नहीं कि फिर किसान अपनी फसल बेचेगा कैसे और किसको। तीसरा, इसका अर्थ यह हुआ कि छोटे बिचौलियों के साथ साथ कृषि और किसान से प्रेम रखने वाले बड़े बड़े उद्योगपतियों के पढ़े लिखे बिचौलिए बाजारों में नजर आएंगे। चौथा, सरकार के हिसाब से मंडियां समाप्त नहीं होगी, लेकिन बड़े बिजनेसमैनों की नई मंडियां खड़ी हो जाएगी, यानी कि सरकार किसानों की समस्या से अपना पल्ला आसानी से झाड़ने की स्थिति में आ जाएगी। पांचवा, किसान अपने ही खेत पर मजबूरी करके फसल उगाएगा, लेकिन उस फसल की कीमत बड़ी कंपनियां फसल उगने से पहले ही तय कर देगी। यह अच्छी बात है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि जब फसल उग जाएगी और उसकी क्वालिटी को लेकर कंपनी उस फसल को नहीं खरीदे या पूरी नहीं लेगी, ऐसे में गरीब किसान उस कॉन्ट्रैक्ट कागज को लेकर कौन सी अदालतों का चक्कर काटेगा? क्यों दबाव में है मोदी सरकार? इन बिलों को लाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह की हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी दिखाई, उससे कई शंकाएं खड़ी हो गई है। इसके साथ ही सरकार अपने बहुमत के दम पर बिल तो ले आई, लेकिन अब धीरे धीरे देश में किसान आंदोलन खड़ा होता नजर आ रहा है। पहला झटका एनडीए के घटक दल अकाली दल से मिला। उनकी ओर से सरकार में शामिल एकमात्र मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा थमा दिया। दूसरा, जिस तरह से सरकार बिना विस्तृत चर्चा के बिलों को लाई है, उसके तरीकों को लेकर भी एनडीए के दूसरे घटक दलों में नाराजगी है। तीसरा, किसान आंदोलन की शुरुआत पूरी तरह हुई भी नहीं है कि मोदी सरकार पर उसको कुचलने का आरोप लगना शुरू हो गया है। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मजदूर, कर्मचारी और कंपनियों से जुड़े बिलों को लेकर भाजपा के मात्र संगठन आरएसएस की एक बड़ी विंग भारतीय मजदूर संघ ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वैसे तो सदन में और भी कई बिल पास हुए हैं जिन पर लंबी बहस हो सकती है, लेकिन सरकार के रवैये से साफ हो गया है कि वो किसी की नहीं सुनने वाली। कोई बात नहीं, सरकार की अपनी ताकत है, लेकिन अब कई गांवों के बार बार लिखा जा रहा है कि जो किसान के साथ नहीं उसके किसान साथ नहीं। पॉलिटिक्स ब्यूरो दिल्ली।
ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।